डोलमा आंटी के मोमोज, मतलब ये जगह जो है ना सेंटर मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस है। अब एक बार जो है ना भाई यहाँ पर क्रेज़ देख लो भाई राम लड्डू का, ये सारे लोग जितने आपको यहाँ पे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना सब इसी शॉप के लिए आए हैं। सामने ना मेरी सबसे पहले नज़र पड़ी भाई इस फूड बस पर। तो जी स्वागत है जी आप सबका छिडोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। मैं इस वक्त आया हूँ जी सेंटर मार्केट में, एक्चुअली मेरी एक मीटिंग थी। मैं आपको पहले बता देता हूँ मैं कहाँ पर आया हूँ। सामने जी मेट्रो का गेट नंबर 5 है लाजपत नगर का, और सामने ना मेरी सबसे पहले नज़र पड़ी भाई इस फूड बस पर। और सामने ये है जी, मतलब ये मेट्रो लाइन है जो लाजपत नगर सेंटर मार्केट की है। अब यहाँ आया किस लिए था मैं आपको वो बता देता हूँ। मेरी एक्चुअली ना यहाँ पर किसी के साथ मीटिंग थी और वो भाई साहब की गाड़ी हो गई है ख़राब, उनको यहाँ आने में तकरीबन अभी लग जाएंगे 2 घंटे। तो मैंने कहा भाई 2 घंटे में या तो मैं घर वापस चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ से मेरा घर जो है हार्डली 5-6 किलोमीटर दूर है, और या फिर भाई सेंटर मार्केट आए हूँ तो आप लोगों के लिए यहाँ की फ़ूड की जो है ना वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि भाई चलो 2 घंटे हैं, यहाँ की फ़ूड की वीडियो बनाते हैं, जो यहाँ के सबसे पॉपुलर पॉइंट है वहाँ चलते हैं, फूड टेस्ट करते हैं कि भाई वो जो इतने पॉपुलर हैं क्या वहाँ पे वाकई में फ़ूड बहुत कमाल का मिलता है या सिर्फ ऐसे ही जो है ना मतलब यूट्यूबर्स ने हाइप बना रखी है। भाई चलते हैं, सबसे पहले दिखाता हूँ मैं कहाँ जाने वाला हूँ। देखो जी सबसे पहले जो मैं कवर करने के लिए आया था जी, वो मैं आया था राम लड्डू फूड कॉर्नर। लेकिन अभी अगर आप उस साइड देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा रश है, और यहाँ पर जो है ना पार्किंग की सबसे बड़ी मुसीबत रहती है सेंटर मार्केट की। लेकिन इसके बिल्कुल ठीक सामने एक जो है ना शॉप और भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये है जी झकास पाव भाजी, बॉम्बे पाव भाजी मिलती है। सामने भैया बैठे हुए जी, वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद स्लिप वहाँ पे भैया को देनी है और आपको मिल जाएगी ये चीज़ें जी जो आप खाना चाहते हो। मैंने लिए जी एक तो सबसे सिंपल जो पाव भाजी होते हैं ना जी वो लिए, और इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें, अगर आप देखो ना प्रेजेंटेशन तो बहुत ही कमाल की लग रही है, भाजी भी बहुत ज़्यादा सही लग रही है। मैं आपको थोड़ा सा इसको हिला के दिखाता हूँ, भाजी की रंगत भाई वाकई में अच्छा है, और बटर का पीस भी बहुत सही दे रखा है। पाव देखते हैं ज़रा अंदर कुछ मसाला वसाला है या नहीं। अच्छा पाव के अंदर जो है ना प्योर सिर्फ इन्होंने बटर लगा के दिया है, साथ में प्याज है, नींबू है और हरी चटनी है जी। तो ये तो मेरी एक प्लेट जो आई है ना जी, इसका प्राइस है 110 रुपये। साथ में मैंने ये लिया है जी बॉम्बे का जो है ना, मुंबई का वड़ा पाव भाई, ये वहाँ का जो है ना जी काफ़ी फेमस चीज़ है। तो मैंने कहा भैया इनकी ये वाली चीज़ जो है ना ट्राई करना बनती है। प्राइस है जी इसका, मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस है जी 80 रुपये। 40 रुपये का एक ये सिंगल वड़ा पाव आपको मिलेगा। आई थिंक आप सिंगल भी ले सकते हो, प्लेट लेना चाहते हो प्लेट ले सकते हो। तो जी अपनी जो है ना जी बाइट तैयार करते हैं, अब अकेला हूँ तो उसी हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा। भाजी लगाते हैं, थोड़ा सा बटर लेते हैं जी, और इसके ऊपर रखते हैं ये छोटा सा पीस प्याज का। आ जाओ जी टेस्ट करते हैं। भाई पाव जो है ना बहुत बढ़िया सेका हुआ है। सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि उसके अंदर जो बटर लगाया है ना उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और जो इन्होंने ये साथ में जो बटर दिया है ना वो भी ठीक है। गार्लिक का इसके अंदर जो फ्लेवर है ना वो इसको सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पर लेके जा रहा है, और दूसरी टॉप पर लेके जा रही थी चीज़ ये जो इन्होंने इसमें बटर लगा रखा है, कॉम्बिनेशन बहुत कमाल का है। एक बाइट जी और ट्राई करूँगा, मैंने भैया से ऑलरेडी परमिशन ले ली थी कि भाई इतना तो मैं खा नहीं पाऊँगा, तो जो है ना मैं इसको अब पैक करवा लूँगा एक बाइट, लेकिन मैं फिर ट्राई करता हूँ। अच्छा जी आप में से काफ़ी सारे लोग पूछोगे कि पंकज कहाँ हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई इंस्टाग्राम पर जो है ना हमें फॉलो कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि पंकज इस वक्त कहाँ है लेटेस्ट अपडेट के लिए ना, क्योंकि हमने जैसे आपको बोला था कि कुछ नया आने वाला है और बहुत कमाल का आने वाला है, तो उसके आपको क्विक जो अपडेट है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगी जी। अब बारी है जी वड़ा पाव की, अब इसको टेस्ट करते हैं। पाव तो बिल्कुल सेम सेका हुआ है, अंदर चटनी वगैरह लगा रखी है, मेन तो सारा खेल जो है जी वो वड़े का है। अब उसके अंदर किस तरीके के जो है ना, ये अगर आप देखो आलू के अंदर काफ़ी अच्छे मसाले वगैरह डाले हुए हैं और काफ़ी अच्छी जो है ना इसकी खुशबू आ रही है बहुत कमाल की जी। अब इसको टेस्ट करते हैं बगैर चटनी के। ठीक
ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़िया सही बताऊँ तो मुझे फ्लेवर नहीं लगा जितना मैं उम्मीद कर रहा था, क्योंकि इन्होंने बोला है कि बिल्कुल मुंबई स्टाइल ये बना रहे हैं। बहुत कमाल का तो नहीं लगा, लेकिन हाँ एवरेज है। तो 10 में से जो है ना, अगर मैं नंबर की भी बात करूँ तो 5 नंबर है, ठीक ठाक लगा, बहुत कमाल का नहीं लगा। हाँ पाव भाजी की अगर आप बात करो तो मुझे पाव भाजी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगी है भाई। तो यहाँ अगर आप आओ जकास मुंबई पाव भाजी, क्योंकि इनके शॉप का नाम भी जो है ना मेन पाव भाजी की वजह से फेमस है, तो आप यहाँ आके पाव भाजी जरूर ट्राई करना। यहाँ पे जो है हस्बैंड वाइफ जो है भाई पाव भाजी खाने के लिए आए हुए हैं, तो मैंने कहा इनसे भी जो है ना इनका रिव्यू ले लेते हैं। भैया सबसे पहले तो अपना नाम बता दो यार। मेरा नाम राहुल यादव है। और थैंक यू आपने परमिशन दे दी। चलो नहीं नहीं परमिशन की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे करीब 5-6 साल से आता हूँ। तो हम जब भी लाजपत नगर आते हैं तो हम जरूर यहाँ पे पाव भाजी खाते हैं, बाकी तो और चीज़ें नहीं खा पाते लेकिन पाव भाजी जरूर खाते हैं। मुझे भी पाव भाजी ज़्यादा अच्छी लगी, बेस्ट पाव भाजी मतलब ठीक है, अच्छी है, बाकी जगह से और चीज़ों से ठीक है, है ना। बाकी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें खाने को, लेकिन पाव भाजी हमेशा खाते हैं। प्राइस लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो जो आप आके ट्राई करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर ये काउंटर में भैया जी बैठे हुए हैं, पर्ची मिलेगी और आपको उस काउंटर में जो है ना जी जाके अपनी पर्ची देनी है। तो रोड के दूसरी तरफ आ गया हूँ, अब आया हूँ जी राम लड्डू फूड कॉर्नर को जो है ना कवर करने के लिए। और आप एक बार जो है ना भाई यहाँ पर क्रेज़ देख लो भाई राम लड्डू का, ये सारे लोग जितने आपको यहाँ पे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना, सब इसी शॉप के लिए आए हैं। तो आप सोच सकते हो ये जगह जो है ना कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। चलते हैं, अपने लिए भी जो है ना एक प्लेट लेकर आते हैं। कितने के भैया जी एक प्लेट? 8 रुपये एक प्लेट लगा देना भैया। ठीक है जी। तो भाई टोकन सिस्टम है यहाँ पर, तो हो रही है मेकिंग और सामने टोकन ले लेते हैं, चलते हैं। भाई टोकन के लिए भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप देख लो भाई क्या ही क्रेज़ है यार यहाँ पर। तो 60 रुपये जी पेटीएम कर देते हैं। तो भाई अपनी पर्ची मिल गई है जी, चलते हैं। अब ये पर्ची यहाँ पे भैया को देनी है, भैया आपको आओ जी। कितने पीस है एक प्लेट में? 6 पीस हैं। ठीक है जी। ऊपर ये मूली वगैरह रख दी है, हरी चटनी है, ठीक है। और अगर मेरे को मिर्च लेनी होती तो एक लड्डू कम हो जाता, ठीक है। तो भाई अपनी प्लेट आप देख सकते हो जी, अब आ जाओ टेस्ट करते हैं। मतलब ये 6 पीस 10 रुपये का एक पीस हो गया। एक बार फिर देख लो भाई राम लड्डू का यहाँ पे जो क्रेज़ है ना वो बहुत तगड़े लेवल का है। तो जी अब इसको जी टेस्ट करते हैं। अब 10 रुपये का ये एक पीस है भाई, यहाँ पर 60 रुपये के 6, आ जाओ जी टेस्ट करते हैं। ओ भाई यहाँ का ना मुझे पता क्या लग रहा है कि इतनी भीड़ शायद इस वजह से है कि 60 रुपये में ना आप आराम से अपना पेट भर सकते हो, वही एक चीज़ जो है मुझे लग रही है। और फ्रेश चीज़ बन रही है वो भी एक प्लस पॉइंट है, हो सकता है ठंडा होने के बाद इतना ज़्यादा मज़ा ना आए। मुझे ओवरऑल जो है ना राम लड्डू इतने ज़्यादा कमाल के नहीं लगे हैं, इससे बेस्ट मैंने ऑलरेडी खा रखे हैं। लेकिन भाई भीड़ देख रहे हो तो ये मायने नहीं रखता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पसंद आए या ना आए, लेकिन भीड़ बता रही है कि भाई लोगों को बहुत पसंद है। अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट जगह चलते हैं। और जी थर्ड लोकेशन जो है वो है जी मेरी डोलमा आंटी के मोमोज। मतलब ये जगह जो है ना सेंटर मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ का जो है ना बहुत मिक्स रिव्यू है, बहुत लोगों को ये जगह के मोमोज जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं पसंद। तो मैंने तो भाई कभी ट्राई किए नहीं है अभी तक, दोनों पहले भी जो जगह दिखाई थी वो भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी। लेकिन अगर आप बात करो ना भाई तो क्रेज़ बहुत है यार ये मोमोज का यहाँ पर। तो चलते हैं भाई, पहले मोमोज लेते हैं उसके बाद जो है आपको बताते हैं कि मुझे कैसे लगे जी। भीड़ तो भाई यहाँ पे भी जो है ना तगड़ी ही है, स्कैन करते हैं बाकी मेन्यू देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी कुछ है, वेज नॉन वेज में काफ़ी सारे ऑप्शन है। मैं तो वेज लूँगा भाई, जैसा आपको बताइए। नूडल्स 120 रुपये हैं, मोमोज कितने के ये देखना है, डोलमा आंटी स्टीम मोमोज 50 रुपये के हाफ, 80 रुपये के फुल, हाफ में मिलेंगे 4 पीस और फुल में मिलेंगे 8 पीस। तो ये ले लेते हैं, वेज ले लेते हैं और पनीर वाले ले लेते हैं। तो इधर भी भाई स्लिप वाला सिस्टम है, मैंने पनीर वाले हाफ लिए हैं। और ये पर्ची अब देनी कहाँ है ये देखना पड़ेगा।
पनीर वाले हाफ, इसमें दो वेज दे देना, दो पनीर वाले दे देना, चारों पनीर वाले मत देना। तो भाई पीछे तो आप क्रेज़ देख ही रहे हो, यहाँ पे डोलमा आंटी का भाई काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। अपनी प्लेट आ गई है जी, यहाँ पर दो मैंने ले लिए जी स्टीम वाले और दो ले लिए जी मैंने ये वेज वाले जी, ताकि पता चल जाए अंदर के माल स्टफिंग वगैरह कैसी है। ये है जी वेज वाला जो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, पत्ता वो भी नज़र आ रही है जी और थोड़ी बहुत गाजर नज़र आ रही है। अब इसको जी टेस्ट करते, ये लगाई जी हमने ये स्पाइसी मिर्च वाली चटनी, आ जाओ जी इसको टेस्ट करते हैं। ये जो कर रहा हूँ ना भाई, ये चटनी के लिए है। मोमोज के अंदर इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं पता चला, बहुत ज़्यादा ड्राई है, खाया नहीं जा रहा, लेकिन चटनी जो है भाई वो नंबर वन है, चटनी ने दिल जीत लिया यार। नेक्स्ट देखते हैं जी, अब इसमें पनीर वाला कौन सा है जी, और आपको स्टफिंग दिखाते हैं पनीर की। ये है जी पनीर वाला। ओ भाई साहब यार, पनीर की अगर बात करो तो भाई अच्छे लेवल में पनीर डाला हुआ है, साथ में थोड़ी बहुत पत्ता गोभी भी डाल रखी है, प्याज भी है और ये कुछ धनिया वगैरह भी है। तो ठीक है भाई, अब इसको जो है ना टेस्ट करते हैं ज़रा, अब इसका कैसा स्वाद है। ये लगाई जी चटनी, यार सही बताऊं भाई मज़ा नहीं आया यार, पता नहीं क्या बात है। मैंने देखा है अक्सर ना, जो जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई होती ना, अब इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि इनके पास ना भीड़ बहुत है, अब उसको मोमोज को स्टीम होने के लिए टाइम तो चाहिए, तो शायद ये हो सकता है कि जल्दबाजी में वो अभी प्रॉपर स्टीम नहीं है। एक तो ऊपर की जो लेयर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये ऊपर की लेयर देखो ना भाई, तो ये बहुत ज़्यादा मोटी है, हालांकि इतनी मोटी लेयर होनी नहीं चाहिए। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरी ये सेंट्रल मार्केट की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अभी लाजपत नगर में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये नहीं है कि जो मैंने आपको ये तीन दिखाया तो पूरी सेंट्रल मार्केट में सिर्फ यही तीन लोग बैठे हुए हैं। अगर आप इसके अलावा भी अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है एक ये भैया छल्ली वाले हैं, ये इस तरीके के छल्ली वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये अनानास वाले भाई साहब हो गए, उसके बाद यहाँ पे ये लाल मटके वाले जो है ना जी, ये दही बल्ले गोलगप्पे पापड़ी वाले, ये एक और भैया लगे हुए हैं, कुल्फी है। तो ऑप्शंस तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हैं आपको उन्हीं के पास जाना है। मेरी बात करो तो भाई मुझे जो है ना आज सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लगा ना भाई, वो जो मुंबई की पाव भाजी थी ना, मुझे वो बहुत कमाल की लगी, उसका टेस्ट जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छा था। और सेंट्रल मार्केट की एक और खासियत बता दे तो आपको जगह जगह पे जो है ना इस तरीके से भाई जाम मिलेगा। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आप इस एरिया की और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जी सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत रेगुलर अपडेट आ रहे हैं, बहुत कमाल कमाल के। तो आपको वहाँ जाने पे पता चल जाएगा कि पंकज इस वक्त कहाँ पर है और कहाँ की आप लोगों के लिए कमाल कमाल की वीडियो आने वाली है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय।